नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी यूट्यूब चैनल और मैं हूं दिलेश दिवांगन। मेरे साथ आज राज्यसभा सांसद माननीय रामविचार नेताम जी हैं और हम आज सवाल करेंगे क्योंकि पूरे देश में महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के हाहाकार मचा है। तो आइए जानते हैं इनकी प्रतिक्रिया क्या है। महोदय, बताइए कि पेट्रोल डीजल की महंगाई जो बढ़ रही है इस वक्त और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम होंगे, लेकिन पिछले एक सप्ताह से लगातार बढ़ा करके फिर 5 रुपये और 10 रुपये कम कर देना, फिर कहाँ की राहत है? देखिए, पूरे देश और दुनिया में पेट्रोल और डीजल का जो रेट होता है, दाम होता है, वो जो ओपेक देश होता है वो तय करता है। उसके लिए एक अलग अथॉरिटी बनी हुई है, वो तय करता है। इसके बावजूद भारत सरकार देश की जनता को जो महंगाई का मार झेलना न पड़े और जो दर बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं, उसमें कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ी एक राहत दिया है कि कम से कम 10 रुपये के लगभग का एक फ़ायदा मिला है। और प्रदेश सरकारों को भी, देश भर के जितने भी राज्य हैं, प्रदेश सरकारों को भी बोला गया है कि आप अपने अपने प्रदेश में वेट जो टैक्स ले रहे हैं उसे अगर कम करेंगे तो जनता को राहत मिलेगी। मुझे खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ ने अभी तक कोई वेट टैक्स घटाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है, कोई आदेश नहीं दिया है। आप यहीं पर बगल में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, वहाँ कोई चुनाव तो है नहीं, वहाँ वेट टैक्स घटा है, वहाँ रेट कम है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश है, वहाँ भी वेट टैक्स उन्होंने घटाया है। तो इस तरह से बहुत सारे जो राज्य हैं वो अपने अपने स्टेट में, प्रदेश में जनता को राहत देने के लिए लोगों ने इसमें टैक्स को कम किया है और उससे निश्चित है कम रेट पे लोगों को डीजल और पेट्रोल उपलब्ध हो पा रहा है। सर, इससे तो यही लगता है कि अगर भूपेश बघेल की सरकार वेट टैक्स को कम करने के लिए तैयार नहीं है तो छत्तीसगढ़ की जनता जो है, जिनको राहत का एक पैकेज मिलना चाहिए राज्य स्तर पर भी, वो नहीं मिल रहा है, इसको लेकर के केंद्र सरकार कितनी चिंतित है? देखिए, केंद्र सरकार तो जो तय करना था उन्होंने तय कर दिया। अब राज्य सरकार का भी एक अधिकार क्षेत्र होता है, वो अपने अपने स्टेट में वो क्या करना चाहते हैं उनके ऊपर होता है। डायरेक्टली जो है कोई भारत सरकार उसमें नियंत्रण नहीं कर सकती और उसे बाधित भी नहीं कर सकती। सर, पेट्रोल डीजल के कीमतों के साथ साथ कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थ, चाहे वो सब्जी की बात हो, खाने योग्य बहुत सारी चीज़ों में इतनी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है सर। और मुझे अभी भी याद है कि जब 2014 के जो इलेक्शन होने वाले थे उस समय बहुत ज़्यादा एक प्रचार हो रहा था मोदी जी का और ये कहा जा रहा था कि बहुत हुई महंगाई से मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन महंगाई उसके बाद 2021 में जिस चरम सीमा पर है, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई अगर देखा जाए तो कुछ जिंसों में ज़रूर काफ़ी रेट बढ़े हैं, लेकिन कुछ सामानों का रेट जो है यथावत है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। लोग भला ही कोई इस बात को हाय तोबा बचाए कहें, कुछ है सामान जिसका कि बढ़ रहा है, उसमें मैं समझता हूँ कि भारत सरकार का भी इस ओर ध्यान है और आने वाला समय में निश्चित ही उसका फायदा मिल सकता है। सर, आखिरी बार मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि भूपेश सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अभी भी अपने टिके हुए हैं कि हम घटाएंगे नहीं, उनको आपकी तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार को कोई संदेश, कोई मैसेज? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कल बैठने वाला हूँ और इसीलिए मैं जा रहा हूँ, रायपुर जा रहा हूँ। कल हमारी एक बैठक होनी है दिशा की, उस बैठक में मैं भी इस बात को रखूँगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम बातचीत कर रहे थे राज्यसभा सांसद श्री रामविचार नेताम जी से और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये कल जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया यानी कि भूपेश जी से इनकी बैठकें होंगी, बातें होंगी, ये गुजारिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता को भी कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल में राहत मिले। बहरहाल, देखते रहिए डीडी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।